అనుదిన అనుక్షణ మనయల్లు కలియో కలిక యొసలి జొతేగూడి హెచ్చ సీ కలియో నమ్మ క్లాస్ ఎసో ఎస్టి ma'am अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व हू तमाम तलबा व तालिबात का संविदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ सभी को ख़ुश आमदीद मैं नाजिरा बेगम सदर मल सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल एनकोर तालुक़ा भाल की ज़िला बीदर से प्यारे बच्चों आज हम जमा शिशुम का मजमून समाजी साइंस में इंसानी हुकूक सबक पढ़ेंगे आज हम इंसानी हकूक़ सबक पढ़ने जा रहे हैं तो सबक स्टार्ट करने से पहले हम इस सबक़ के अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे तो इस सबक़ में मंदर नुकात पर हम रोशनी डालेंगे इंसानी हकूक़ के मफहूम को समझेंगे इंसानी हकूक़ की ज़रूरत किस लिए मतलब को समझेंगे इंसानी हकूक़ की मख्तल किस्मों को जानेंगे हकूक़ अतफ़ाल को समझेंगे इंसानी हकूक़ के तहफ़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो प्यारे बच्चों मैं आपसे चंद सवाल करूँगी आप, आप अपनी याददाश्त की बिना पर उनके जवाब देंगे तो चलिए जवाब दीजिए आज का सवाल इंसान की बुनियादी ज़रूरतें कौन कौन सी हैं हाँ बताइए आप हाँ, बतलाइए हवा पानी गजा लिबास रिहायशगा और तालीम वगैरह बिल्कुल सही जवाब आपका चलिए अगला सवाल क्या सभी बच्चों को तालीम हासिल करना जरूरी है हाँ सभी बच्चों को तालीम हासिल करना बेहद जरूरी है क्योंकि सभी को तालीम हासिल करने का हक है सभी को तालीम हासिल करने का हक़ हाँ है अच्छा बच्चों, तो चलिए आज हम सबक इंसानी हकूक़ से मुतालिक मालूम हासिल करेंगे अपनी कापी पेन निकाल कर तैयार रहें और अहम नुका मंद करें तो चलिए जल्दी से अपनी किताब और कापी पेन निकाल लीजिए सभी निकालिए बच्चे बच्चों रेडी हैं अब हम इंसानी हकूक़ में इंसानी हकूक़ no का मफहूम व अहमियत के बारे में जानेंगे हर फर्द को पुरखार ज़िंदगी गुजारने और अपनी शख्सियत को परवान चढ़ाने में मददगार मौक़े ही इंसानी हकूक़ कहलाते हैं तमाम इंसानों को आज़ादी के साथ मसावैना तर्ज ज़िंदगी गुजारने अपने ख्याल का इजहार करने और पुरखार ज़िंदगी गुजारने में मददगार मौ़े ही इंसानी हकूक़ कहलाते हैं तमाम इंसान आजादाना ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं बिला किसी भी मामले में किसी किस्म की पाबंदी लगाई नहीं जा सकती चलिए अब हम इंसानी हकूक का तस्वर और तारुफ के बारे में मालूम हासिल करेंगे इंसानी हकूक का तस्वूर तहजीब के फरोग के साथ ही आगाज़ हुआ इंसानी हकूक़ की बातें जमाने कदीम से ही देखी जाती हैं जिसकी मिसालें मुख्तलिफ़ मज़ाहब फलसफे और दूसरे रस्म व रिवाज में देखने को मिलती हैं प्यारे बच्चों जब दुनिया में जमहूरी तर्ज की हुकूमतें बनने लगी इंसानी को अहमियत दी जाने लगी कई ममालिक ने अपने दस्तूर में इंसानी के तहफ़ के लिए बुनियादी हकूक़ के तौर पर शामिल किया है इसी वजह से अवाम को बुनियादी हकूक़ के इस्तेमाल का मौका भी हासिल हुआ है चलिए अब हम इंसानी हकूक़ का मफहम व अहमियत के बारे में मालूम हासिल करेंगे पुरखार जिंदगी गुजारना हर फर्द का हक़ है यानी एक बाज़त ज़िंदगी गुजारना एक मुतबर जिंदगी गुजारना हर फर्द का जो है ना एक पैदाइशी हक़ है यह हूक तमाम के लिए बिलाजा बिला इम्तियाज यानी कि सभी को बराबर के जो है नकूक दिए गए हैं अब हम आलमी जंगों के बारे में मालूम हासिल करेंगे तो बच्चों मैं आपको एक छोटा सा वीडियो के जरिए आलमी जंगों के बारे में मालूम फराम करूँगी बीसवीं सदी दुनिया की तारीख में अहम है इस सदी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला दो जंग अजीम इस सदी में हुआ अखव मतहदा का क़्याम और सर्द जंग और सब कुछ इस सदी में देखने को मिला दूसरे अजीम जिसमें बड़े पैमाने पर इंसानियत का नुकसान हुआ इस जंग ने इंसानियत माल व जायदाद तबाह व बर्बाद करके रख दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसानी हकूक़ का तहफ़ किया जाए दुनिया का समझदार तबका सोचना शुरू किया कि इंसानी हकूक़ के अहतसाल को कैसे रोका जाए और दुनिया में अमन व आमान को कैसे लाया जाए दूसरी जंग अजीम के ख़ात्मे के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तंजीम अवहद चौबीस अक्टूबर सन उन्नीस सौ पैंतालीस को अमल में आया जिसका मरकज़ी दफ्तर न्यूयॉर्क में मौजूद है आप यहाँ मरकज़ी दफ्तर देख सकते हैं जो न्यूयॉर्क में मौजूद है फ्रांस का इनकलाब फ्रांस का इनकालब जो सन सत्रह सौ में हुआ था इंसानी के ताल्लुक से अपने आप में अहम है आप यहाँ पर एक तस्वीर जो है ना इनलाब की देख सकते हैं अब हम रूस के इनकलाब के बारे में मालूम हासिल करेंगे रूस का इनकलाब जो सन उन्नीस सौ सत्रह ईस्वी में हुआ था वो भी इंसानी हकूक़ के ताल्लुक से काफ़ी अहम माना जाता है जैसा कि यहाँ तस्वीर में रूस के इनकलाब की एक झलक दिखलाई गई है अब हम अखवा मुतहदा के क्याम के बारे में मालूम हासिल करेंगे तो प्यारे बच्चों जब दूसरी जंग अजीम हो गई तो दूसरी जंग अजीम के बाद अखवा मुतह का ख्याम इंसानी तहफुज से अपने आप में अहम है अखवा मुतह का इंसानी हुक का आलमगीर अलामिया 10 दिसंबर सन 1948 को बना था का बना था 10 दिसंबर सन उन्नीस को बना था 10 दिसंबर सन उन्नीस को बना अखव मतहद का इंसानी जो आलमगीर अलामिया हैं वो इंसानी का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम जो है ना नाम माना जाता है जिसमें इंसानी हकूक का पहलू पर तफसील से जो है ना बात की गई है अब हम इंसानी हकूक के अकसाम के बारे में जानेंगे हम यहाँ इंसानी को बुनियादी तौर पर मुख्तफ वान के तहत दर्जा बंदी करके इस पर बात करेंगे अब यहाँ देखेंगे इंसानी के अकसाम कौन कौन से हैं सबसे पहले शहरी हकूक़ सियासी हकू समाजी हू़ अकतदी हू़ और सकाफती हू़ और इसके अलावा यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं ज़िंदगी जीने का हक़ हाँ, समाजी तहफ़ का हक़ हाँ, तालीम हासिल करने का हक़ हाँ, पुरविकार शख्सियत का हक़ हाँ, मसावत का हक़ हाँ, पेशे का हक, हाँ, हक़ामी से आज़ादी का हक हाँ, औरतों के हकूक़ और हूक़ अतफ़ाल हम यहाँ अजीम यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु की तस्वीर आप देख रहे हैं तो अज़ीम यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु के मुताबिक इंसान एक समाजी हैवान है इंसान क्या है एक समाजी हैवान है किसके मुताबिक अज़ीम यूनानी फलसफी के मुताबिक अब नीचे आप और एक तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर मशहूर मुफ्कर हेरोल्ड लास्की ने इनका मानना है कि हकायक समाजी जिंदगी की ऐसी हालत है जिसके बगैर कोई भी आदमी बेहतर जिंदगी की तलाश नहीं कर सकता अब हम यहाँ पर मुख्तफ जो नस्मों के बारे में मालूम हासिल करेंगे जिसमें शहरी हू़ आता है शहरी हू़ तारीखी तौर पर एक अहम हू़ है शहरी हू़ में आवाम को तकरीर की आज़ादी प्रेस की आज़ादी असम्बली की आज़ादी इबादत करने की आज़ादी शामिल हैं यानी यहाँ पर अवाम को अपनी बात कहने की पूरी पूरी आज़ादी है अपने ख़्यालत का इज़हार करने की पूरी जो है नहाँ पर आज़ादी दी गई है वो अपनी तकरीर के जरिए अवाम तक अपनी बात को जो है ना पहुँचा सकता है प्रेस की पूरी आज़ादी दी गई है इसम्बली की आज़ादी दी गई है यहाँ तक कि इबादत करने की भी आज़ादी दी गई है यानि जितने मजाहब के लोग हैं वो अपने मजहब को मानने वालों की इबादत जो है ना अपने तरीक़े से अपने ढंग से जो है न वो इबादत कर सकते हैं ये हकूक़ क़ानूनी तरीक़ों से लोगों के हकूक़ को महफूज करता है क़ानून के सामने सबको बराबर माना जाता है अब हम सियासी हूक़ के बारे में जानेंगे जमूरीत में सियासी हकूक को एक अहम हु के तौर पर देखा जाता है सियासी हूू के जरिए शहरी अपने मुल्क के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं जैसे कि जमूरीत का तारफ़ इस तरह से भी किया गया है जमूरीत अवाम के लिए अवाम के जरिए अवाम के लिए बनाई गई हुकूमत होती है यानी सियासी हकूक़ में सबको वोट डालने का हक़ शामिल है कुछ तो सियासी असूल इस तरह से भी हैं वोट डालने का हक़ हाँ, इलेक्शन लड़ने का हक़ हाँ, सियासी जमात क़ायम हाँ करने का हक़ हाँ। तो बच्चों वोट डालने का हक़ हाँ। जो दिया गया है उसके ताल्लुक़ से एक छोटा सा वीडियो जो है ना मैं आपको दिखलाती हूँ हर शहरी को वोट डालने का हक़ हाँ है और अपने नुमाइंदे का इंतब करने का हक़ हाँ है अपने नुमाइंदे का इंतब करने का हक़ हाँ किसी भी जमहूरी मुल्क में आलमगीर बालगरायदही के असूल को अपनाया गया है अब हम सामाजी और अकतसदी के बारे में बात करेंगे समाजी और इकतसदी हकूक़ इंसान की बेहतर ज़िंदगी के लिए अहम है और इंसान की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी भी है जिसमें सबसे अहम तालीम का हक़ है अब हम तालीम के हकूक़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे दफ़ा छब्बीस में तालीम की बात की गई है हर आदमी को तालीम का हक़ हासिल है कम पर, से कम बुनियादी सतह पर यानी छः से चौदह साल के बच्चों को तालीम हासिल करना लाजमी और उनका पैदाइशी हक़ हाँ है यानी छः से चौदह साल के बच्चों को स्कूल जाना तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि उनका पैदाइशी हक हाँ है सबको तालीम हासिल करना लाजमी है क्योंकि ये बुनियादी तालीम है और बुनियादी तालीम सबको होना ज़रूरी है हक़ में उन बातों को देखने को मिलता है जैसे जुबान, सखाफती और फनकाराना पैदावार ज़िंदगी में शराकत दारी और मुसनफ़ के हकूक़ अकलीतों के सकाफ़ती सोच की आज़ादी का हक़ हाँ हासिल है यानी सभी को जो है सखाफती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का पूरा पूरा हक हाँ है। अब हम पेशे का हक हाँ क्या है मालूम करेंगे मसावी काम के लिए मसावी मावजा काम के अवकात तनख्वा और तनख्वाह के साथ छुट्टी आराम हासिल करने का हक हाँ हर शख्स को मैसर है रोटी लिबास रिहायश सेहत हिफाजत समाजी मदद और लाजमी और मुफ्त प्राइमरी तालीम हासिल करने का हक हाँ है अब हम हकूक़ अतफ़ाल के बारे में जानेंगे हकूक़ अतफ़ाल इंसानी हकूक़ हुख में हकूक़ अतफ़ाल के लिए भी मौके फराहम किए गए हैं हर बच्चे के लिए फितरी तौर पर चंद सहूलियात भी जो है हासिल हैं जैसे हर बच्चे को अपना बचपन वालदान के साथ गुजारने जिसमानी तहफ़ ग़ा तालीम और सेहत की सहूलियात हासिल करने का हक़ हाँ है इसके अलावा नस्ल जिन्स रंग मज़हब और जिसमानी नुस्ख के बुनियाद पर इम्तियाज ना करके शहरी हकूक बच्चों को हासिल हैं अब हम मुफ्त और लाजमी तालीम के बारे में जानेंगे दस्तूर हिंद के मुताबिक चौदह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लाजमी और मुफ्त तालीम का मौका फराहम किया गया है जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में बच्चे को स्कूल जाते हुए आप देख रहे हैं और पढ़ाई करते हुए भी, भी आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे दस्तूर ने बच्चों को जो है ना तालीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया है कौन सी उम्र तक चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को तालीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया है क्योंकि बच्चों को तालीम से दूर रख कर मज़दूरी पर लगाना हकूक़ अतफ़ाल की खिलाफ वर्जी है तुफल मज़दूरी हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी है उजरत के साथ ज़रूरी या बग़ैर उजरत के पेशा अख्तियार करना तुफल मजदूरी कहलाती है चलिए अब हम तुफल मजदूरी क़ानून सन उन्नीस सौ छियासी के बारे में जानेंगे इस क़ानून के मुताबिक चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर नहीं रख सकते इस क़ानून की वजी करते हुए बच्चों को काम पर तकर्रर करने वाले फ़र्द पर तीन माह से एक साल तक की सज़ा जुर्माना या दोनों को आयद किया जा सकता है तुफल मजदूरी के ममनू करार दिए गए अहम पेशे यानी ऐसी जगह जहां बच्चों को काम पर लगाया जाना मना है यानी यहाँ पर मना किया गया है बच्चों को काम पर लगाने से जैसे रेलवे कामकाज आप यहां तस्वीर देख रहे हैं और ऑटोमोबाइल गैरेज यानी अक्सर बच्चे यहाँ देखे जाते हैं कपड़े तैयार करने वाले कारखाने होटल सर्कस कने जहरीली अशिया या धमाको अशिया साजी के मराकज तफरी मकाम शीशे की तैयारी खालीन सीमेंट रंगसाजी दिया सिलाई पटाखे साबुन वगैरह तैयार करने वाले जगहों पर काम के लिए इस्तेमाल करना जुर्म कहलाता है यानी बच्चों का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करना बहुत बड़ा जुर्म है क्योंकि बच्चों को तालीम हासिल करना लाजमी है तालीम हासिल करना उनका हक़ है उसको छोड़कर अगर हम उनको काम पर लगाते हैं तो उन्होंने सज़ा के मुस्तक कहलाते हैं तो ऐसी जगहों पर बच्चों को मज़दूरी पर नहीं लगाना चाहिए तो इससे मुझे एक कहानी याद आती है बच्चों से मुझे एक कहानी याद आती है कि आप सुनना पसंद करेंगे तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि बिदर शहर में एक स्कूल में टीचर रहा करते थे इतने मेहनती इतने ईमानदार अपने अखात के हिसाब से वो अपने जो है ना तालीमी अवकात को पूरा करते हैं और दिल लगा कर पढ़ाई करते हैं बच्चों से मोहब्बत से और प्यार से जो है ना पेश आते और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते बहुत चाहते थे बहुत ही मेहनती टीचर थे वक्त पर आना वक्त पे जाना अपने ज़िम्मेदारियों को बाखूबी निभाते थे इस तरह से कई दिन गुज़र गए और वो टीचर एक दिन रिटायर हो गए रिटायर होकर अपने घर रहने लगे इत्तेफाक़ से उन टीचर को जो है ना उस टीचर को दिल्ली जाने का इत्तेफाक़ हो गया और वो दिल्ली चले गए दिल्ली में जाने के बाद उन्हें एक रास्ता क्रॉस करना था यानी कि इस रास्ते से उस रास्ते को उनको जाना था वो जाने की बार बार कोशिश कर रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा थी उनको जाने नहीं सुधर रहा था कई बार कोशिश करती गई आगे बढ़ती गईं और पीछे हटती गई ऐसा कई बार कर कर वो जगह पर ठहर गए तो क्या देखती हैं कि सामने से एक पुलिस कांस्टेबल दौड़ता हुआ उस टीचर के पास आता है और टीचर देखकर घबरा जाती हैं और ये सोचने लगती हैं कि ना जाने मुझसे कहाँ गलती हो गई जो मुझे मेरे पास जो है ना वो भागे भागे आ रहे हैं ये सोच में रहती हैं कि अचानक वो कॉन्स्टेबल आकर उस टीचर के पैर को छू लेते हैं और नमस्ते करते हैं तो परेशान सी हो जाती हैं कि क्या है तो कहते हैं कि मैडम क्या आपने मुझे नहीं पहचाना मैं राहुल हूँ जब वो अपना तारुफ़ देने लगता है कि मैडम मैं वही राहुल हूँ जिसको आपने होटल से स्कूल लेकर गए थे यानी आपने मुझे समझाया था कि बेटा आपकी जो उम्र है वो उम्र काम करने की नहीं बल्कि पढ़ाई करने की है फिर आपने मेरी अम्मी से भी मिला मिलकर मेरी अम्मी को भी समझाया कि देखिए आपके बच्चे की उम्र अभी छोटी है उसको पढ़ाई करना ज़रूरी है जब वो पढ़ लेगा, तो आगे जो है ना आप उसको काम पर लगा सकते हैं लेकिन छः से चौदह साल के बच्चे को आप काम पर लगाएंगे तो आपको सज़ा हो सकती है तो मेरी मम्मी ने आपकी बात मान ली और मुझे मदरसा भेजा और आपने मुझे ब्याग कपड़े और किताबें भी दिलाई और मैंने पढ़ाई की तो मैं वही राहुल हूँ पढ़ लिख कर आज जो है ना आपके सामने पुलिस बन के खड़ा हूँ तो मैडम देखकर दंग रह जाती हैं और खुशी से फूली नहीं समाती फिर वो बच्चा बात करते करते मैडम का हाथ पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह रास्ते पर पार करा देते हैं तो ये थी बच्चों पढ़ाई के तल्ल से कहानी कि किस तरह से राहुल ने होटल का काम छोड़कर अपने स्कूल की पढ़ाई की तो प्यारे बच्चों आप भी अपने आसपास के माहौल में जो भी आपके साथी हैं वो स्कूल अगर नहीं आते हैं तो आप उन्हें स्कूल आने के लिए आमदा करेंगे क्योंकि बचपन खेल कूद और पढ़ाई के लिए होता है काम के लिए नहीं तो आप ख्याल करेंगे ना तो ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं का तहफ़ क्या है देखेंगे इंसानी हकूक़ के तहफ़ के लिए इंसानी हकूक़ औरतों के हकूक़ इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है इसका तहफ़ु करना लाजमी है यानी इंसानी हकूक़ हकूक़ अतफ़ाल ये तमाम का तहफ़ करना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है अब हम आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ के बारे में जानेंगे आलमी सतह पर इंसानी का मिशन होता है कौमी सतह पर कौमी इंसानी कमीशन और रियासती सतह पर रियासती हकूक कमीशन इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी रोकने के लिए मुनासिब इकदाम कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की तकमील के लिए तमाम इंसानों को उमदा तर्ज़ ज़िंदगी गुजारना गुजारनामदा पुरसकून जो है ना माहौल ज़रूरी है अच्छी सेहत रहायश गज़ा पानी पाकिज़ा और साजगार माहौल के साथ उमदा माहौल का तहफ़ इंसानी हकूक़ का तहफ़ु करना इंसानी हकूक़ का तहफ़ है 2012 में अवान मतहद ने इसका ऐलान किया उस पर अमल पैरा होना दुनिया के तमाम ममालिक है ना अहम ज़िम्मेदारी है यानी 2012 में अकवा मुतहदा ने जो एलान किया था उस पर तमाम ममालिक लोग जो है ना अमल पैरा होना लाजमी है चलिए बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में आपसे मैं चंद सवाल करूंगी आप उनके जवाब देंगे चलिए पहला सवाल इंसानी हकूक से क्या मुराद है बिल्कुल सही हर फर्द को पुरखार जिंदगी गुजारने और अपनी शख्सियत को परवान चढ़ाने में मददगार मौका ही इंसानी हकूक कहलाता है अगला सवाल हर फर्द का बुनियादी हक क्या है हाँ आप बतलाइए बिल्कुल सही पुरवखार मोतेबर जिंदगी गुजारना हर फर्द का बुनियादी हक है अखवा मुतहदा के इजलास में इंसानी को कम मंजूरी दी गई हाँ आप बतलाइए बिल्कुल सही 10 दिसंबर सन 1948 को मंजूरी दी गई चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इंसानी हकूक़ के मुख्त अकसाम कौन कौन से हैं बिल्कुल सही शहरी हकूक़ सियासी हकूक़ समाजी हकूक इकसादी हकूक़ और सहाफ़ती हकूक़ अगला सवाल हर बच्चे को फितरी तौर पर कौन से हकूक़ हासिल हैं हर बच्चे को अपना बचपन वालदान के साथ गुजारने जिसमानी तहफुज़ा तालीम और सेहत वग़ैरह का हक़ हासिल है बिल्कुल सही जवाब आपका देखेंगे अगला सवाल दस्तूर के मुताबिक कितने साल के बच्चों को मुफ्त तालीम का मौका फराहम किया गया है हाँ बताइए दस्तूर के मुताबिक चौदह साल के बच्चों को मुफ्त तालीम का मौका फराहम किया गया है बिल्कुल सही माशाल्लाह सही जवाब दिया आपने अगला सवाल है तूफल मजदूरी के लिए ममनू करार दिए गए अहम पेशे कौन कौन से हैं रेलवे में कामकाज, गैरेज जहरीले अशा की तैयारी होटल और सर्कस वग़ैरह में बच्चों का इस्तेमाल करना जुर्म व ममनू हैं शाबाश, जिसने भी सही जवाब दिए हैं सभी मुबारकबाद के हकदार हैं सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और आपके लिए यहाँ पर तोहफ़े भी रखे हैं कबूल कीजिए आज आपने क्लास में क्या सीखा आज आपने इंसानी हकूक़ के बारे में मालूम हासिल आलमी जंगी इनकलाब और मुतहदा के बारे में मूलूत हासिल किएँ इसके अलावा इंसानी हकूक़ के अकसाम और ख़ास तौर पर बच्चों के हकूक़ के बारे में मालूम हासिल किएँ और तालीम हासिल करने के बारे में तफसली जो है न मालूम हासिल किएँ हर आदमी को तालीम का हक हासिल है कम से कम बुनियादी तौर पर यानी छः से चौदह साल के बच्चों को तालीम हासिल करना लाजमी है तो प्यारे बच्चों मैं आपको चंद सवाल दूंगी। घर के काम के लिए आप इन सवालत के जवाब लिख कर अपने इस को बतलाएँगे तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और इन सवाल को लिख लीजिए और इनके जवाब लिख कर अपने को बतलाएंगे तो पहला सवाल है इंसानी हकूक़ किस लिए ज़रूरी हैं दूसरा सवाल लिखिए इंसानी हकूक़ की मुख्तल किस्में लिखो तीसरा सवाल स... हकूक़ अतफ़ाल कौन कौन से हैं लिखो चौथा सवाल इंसानी हकूक़ के तहफ़ के लिए कौन कौन से कमीशन क़ायम किए गए हैं इंसानी हकूक़ के तहफ़ के लिए कौन कौन से कमीशन क़ायम किए गए हैं तो प्यारे बच्चों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इन नए सबक के साथ आपसे जो है फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख़्याल रखिए अगले सबक तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़